एक बच्चा जब वो बहुत ही छोटा था तब उसने कहा था, अगर मैं 35 साल की उम्र तक मिलीनियर नहीं बना तो मैं सबसे बड़ी बिल्डिंग के ऊपर से कूद जाऊंगा। और वह छोटे से बच्चे ने उस चीज़ को बखूबी साबित कर दिया। वह है आज के स्टॉक मार्केट के जादूगर कहे जाने वाले वॉरेन बफेट, जिसने इन्वेस्टिंग की गेम को इस तरीके से समझ लिया था कि उसके 32 साल की उम्र में ही वो जान गए थे कैसे $0 को $1 मिलियन और $1 मिलियन को $85 मिलियन किए जाते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और सोच रहे हैं तो आज आपको ये वीडियो काफ़ी कुछ नया सिखाएगी। वॉरेन बफेट का जन्म 13 अगस्त 1930 में अमेरिका के ओमाहा में हुआ था। उसके फादर हॉवर्ड बफेट एक स्टॉक ब्रोकर थे और एक पॉलिटिशियन भी थे, और उसकी मदर एक हाउसवाइफ थी। 1930 में अमेरिकन क्राइसिस चल रहे थे, जिनसे वॉरेन बफेट एक साल के हुए उससे पहले ही उसकी फैमिली ने सारी बैंक सेविंग को खो दिया था, क्योंकि जिस बैंक में पैसा सेव करते थे वो बैंक ही बंद हो गई थी। उसने अपने बचपन में घर में काफ़ी गरीबी वाला माहौल देखा था। उसकी माँ कई बार उसका एक टाइम का खाना स्किप कर देती थी ताकि घर के बाकी लोगों को कम ना पड़े। घर की यही सिचुएशन को देखकर वॉरेन बफेट ने यह शब्द बोले थे कि अगर मैं 35 साल की उम्र तक मिलीनियर नहीं बना तो मैं ओहामा की सबसे बड़ी बिल्डिंग के ऊपर से कूद जाऊंगा। बचपन से ही वॉरेन मैथ्स और नंबर में बहुत ही अच्छे थे। वो किसी भी चीज़ में एक पैटर्न ढूंढ ही लेते थे। काफ़ी छोटी उम्र में ही उसे इन्वेस्टमेंट का शौक आ चुका था। छोटे बच्चे जब कॉमिक स्टोरी और खेलने में उसका टाइम निकालते थे, उस टाइम पे वॉरेन बुक्स पढ़ते थे और पैसे कैसे कमाए जाए वो सोचते थे। वॉरेन बफेट ने उसकी ज़िंदगी का सबसे पहला शेयर 11 साल की उम्र में ही खरीद लिया था। उसने अपना पहला शेयर सिटी सर्विस प्रीफर के $38 पर शेयर के हिसाब से खरीदा था, लेकिन जब उसकी वैल्यू $40 हुई तो उसने उसे बेच दिया। पर कुछ वक्त के बाद वो शेयर $2000 तक पहुंच गया था। इसी चीज़ से वॉरेन ने समझ लिया था कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो नॉलेज के साथ साथ पेशेंट की भी ज़्यादा ज़रूरत है। जब वॉरेन 13 साल के हुए तब तक उसने $53,000 इकट्ठा कर चुके थे। दोस्तों, वॉरेन बफेट किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझते थे। जहाँ पे भी फायदा होता वह वहाँ पे काम करने लगते। उसने कोका कोला बेचना, च्युइंगम बेचना, घर घर जाकर न्यूज़पेपर बांटना, ये सब काम किए हैं। बल्कि वो जो न्यूज़पेपर घर पे जाकर देते थे उसका नाम है द वॉशिंगटन पोस्ट, और आज के दिन वॉरेन बफेट इस न्यूज़पेपर के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। वॉरेन बफेट सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं, वो पैसे से और पैसे को कैसे बढ़ाया जाए वो अपनी जादुई इन्वेस्टमेंट के माध्यम से अच्छी तरह कैसे जानते थे। हर कोई बच्चा हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है, ठीक उसी तरह वॉरेन बफेट ने भी हार्वर्ड के लिए अप्लाई कर दिया, लेकिन उसके इंटरव्यू के बाद उसे रिजेक्ट किया गया। बिना कुछ बुरा फील किए और निराश ना होकर उसने कोलंबिया बिजनेस स्कूल से एडमिशन ले लिया, जहाँ पर बेंजामिन ग्राहम जो कि वॉरेन बफेट के आइडल थे वो भी वहाँ पढ़ाया करते थे। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का रिजेक्शन ही वॉरेन बफेट के लिए आगे जाके बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ। वॉरेन ने बेंजामिन ग्राहम से इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड काफ़ी कुछ सीखा और उसके साथ काम भी किया। वॉरेन बफेट अपनी लाइफ में एकदम सिंपल तरीके से जीना पसंद करते हैं, जबकि वो चाहे तो आज के दिन क्या कुछ नहीं खरीद सकते। वो अपनी कार भी खुद ड्राइव करते हैं। वो आज भी उसी घर में रहते हैं जिसको उसने 1958 में खरीदा था। वॉरेन बफेट ने हर बार उसके इन्वेस्टमेंट में पैसे कमाए ही है। उसकी अपनी 94% की वेल्थ 60 साल के होने के बाद की है। दिन का ज़्यादातर टाइम वो पढ़ने में ही निकाल देते हैं, क्योंकि उसका मानना है कि नॉलेज ही हर एक चीज़ की सॉल्यूशन है, और ये एक ऐसी कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह है जो बढ़ता ही रहता है। वॉरेन बफेट जब छोटे थे तब उसने एक बुक पढ़ी थी, और आज के दिन भी वो वन ऑफ द बेस्ट बुक बोलते हैं इन्वेस्टर के लिए। वह बुक है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जो प्रोफेसर बेंजामिन ग्राहम ने लिखी है। इस बुक की वजह से ही वॉरेन बेंजामिन ग्राहम को अपना आइडल मानते हैं। अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो वॉरेन बफेट हर कोई इन्वेस्टर को इस बुक के 2 चैप्टर पढ़ने के लिए रिकमेंडेड करते हैं। वो है चैप्टर 8 और चैप्टर 20, जो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। वॉरेन बफेट इन्वेस्टिंग में 2 रूल्स को फॉलो करते हैं। पहला है नेवर लूज मनी और दूसरा है नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। वॉरेन एक ऐसे इंसान है जो कई सालों तक दुनिया के सबसे बड़े अमीर इंसानों पे पहले नंबर पे रहे हैं। जब से उसने चैरिटी करना शुरू किया तब से उसका नंबर कुछ नीचे गया है। साल 2000 से वॉरेन उसका $46 बिलियन डोनेट कर चुके हैं।
वे दुनिया के सबसे बड़े चैरिटेबल व्यक्ति है। आज उसकी उम्र 89 के करीब है। तो हर कोई सोचता है कि अब उसे पैसे कमाने की क्या ज़रूरत है, पर दोस्तों वॉरेन सिर्फ पैसों के लिए नहीं बल्कि वो अपने इन्वेस्टिंग गेम को बहुत ही अच्छी तरीके से और डीपली एंजॉय करते हैं। इसी वजह से वो इतने फोकस और डेडिकेशन के साथ काम कर सकते हैं। जब वॉरेन बफेट के इसके इंटरव्यू में एक सवाल पूछा गया कि अगर आपको एक ऐसी पावर मांगने को मिले तो आप क्या मांगना चाहोगे, उसका आंसर था, मैं मेरी पढ़ने की स्पीड को ज़्यादा करने की पावर चाहूँगा। वॉरेन उसकी सफलता के पीछे उसकी सभी बुक्स के नॉलेज को ही मानते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे पहली बार है तो ऐसी ही इंस्पिरेशनल वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अपने फैमिली के साथ शेयर करें। मैं प्रदीप, चलिए साथ मिलकर सच्चाई को अनलॉक करते हैं। धन्यवाद।